हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं और इसमें सबसे अच्छी बात है और होनी भी चाहिए कि जो जन प्रतिनिधि जो हैं हमारे, उनका दायित्व हमें लगता है कि शायद बढ़ जाता है इस दुख की घड़ी में, जब एक दूसरे को ला करके जो पीड़ित लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको ला करके बॉर्डर पे छोड़ दिया जाता है और यहाँ कोई व्यवस्था उस तरह की नहीं दिखाई देती है, तो इसी समय हमें लगता है कि शुरुआत होती है उन जन प्रतिनिधियों की जरूरत पड़ती है जिनके माध्यम से ये लोग कम से कम बेचारे अपने घरों तक चले जाएं। हमारे साथ मैरमा के विधायक, दरौली के विधायक सत्यदेव राम जी, यहाँ पे हम जब आए यहाँ पे तो ये मौजूद थे। सर, यहाँ पे बहुत से लोग दिखाई दे रहा है, ये सब यूपी से ला करके, गाजियाबाद से, कहीं कहीं से ला करके यहाँ छोड़ दिया गया है बॉर्डर पे, क्या व्यवस्था हो रही है? देखिए, ये मेहरावना पुल यूपी बिहार के बॉर्डर पर है और सिवान जिला में है। हम लोग 7 बजे से लोग यहाँ आना शुरू किए हैं, रात 7 बजे से जी। उस समय से हम लोग यहाँ हैं और हम लोग कई ग्रुप में यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं। हालांकि जो साधन होनी चाहिए, राज्य सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं की है। यूपी सरकार अपने राज्यों से इन सभी मजदूरों को, जो लोग अपने पेट पालने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जाके वहाँ मजदूरी करते हैं और वहाँ सारा काम ठप पड़ गया है, इनके लिए खाने की लानत पड़ गई है, तब इनके साथ एक ही रास्ता है कि हम अपने ही गांव भाग करके जाएं। तो ऐसी स्थिति में सब लोग, कोई पैदल चल के आ रहा है, कोई गाड़ी से आ जा रहा है। अब ज़रूरत यहाँ है कि यहाँ से बिहार सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, इन सभी लोगों को जिस जिला के जो हैं उस जिले में भेज करके जांच करवानी चाहिए। वहाँ उनके जो स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल है उसको वहाँ पूरा करना चाहिए, लेकिन ये प्रोटोकॉल के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है और लोगों को परेशानी में डाला गया है। हम फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आप मेहरावना पुल पर तत्काल विशेष व्यवस्था की जरूरत, बस की व्यवस्था किया जाए, ताकि जैसे लोग आवे वो अपने जिला में जा करके और ये प्रोटोकॉल की प्रक्रिया पूरा करें। विधायक जी, एक ये खबर टीवी चैनलों के माध्यम से ये चल रही है कि किसी ने 1 करोड़ रुपया दिया, किसी जनप्रतिनिधि ने, किसी नेता ने, किसी सेलिब्रिटी ने, हजारों करोड़ रुपया वो फंड आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जहां ये पैसा जाना चाहिए आज इस महामारी के घड़ी में, वहां कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। कितनी आखिर ये कैसे चलेगा? ये तो पहले से सरकार के कुव्यवस्था का ही परिणाम आज सामने दिखाई पड़ रहा है। आम लोग, हम लोग भी पैसा के लिए सरकार को बोले हैं कि हम करोड़ों रुपया देंगे और लोग भी पैसे दे रहे हैं, जिनका जो हैसियत है वो दे रहे हैं। अब उस पैसे को जिस तरह से व्यवस्था में लगाना चाहिए वो नहीं है। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि अभी हम लोग 2 बस की बात किए यहाँ से, तो उसके तेल के लिए पैसा नहीं है। सरकार की इतनी खस्ती हालत है। तो आखिर सर, ये आखिर करोड़ों रुपया जो चंदा लोग दे रहे हैं, टाटा दे रहा है, बिरला दे रहा है, बहुत से सेलिब्रिटी हैं, हीरो जो इस देश के अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, वो लोग दे रहे हैं, तो आखिर ये पैसा किसके लिए जा रहा है? क्यों नहीं इनके व्यवस्था हो रही है? लोग तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, मानवता के फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन सरकार की ये नाकाबिलियत है कि उस पैसे को लोगों के व्यवस्था में ठीक तरीके से खर्च करके और लोगों को बढ़िया व्यवस्था दे सके, नहीं दे पा रही है। तो यह सरकार की नाकाबिलियत है और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अभी जो स्थिति है देश और दुनिया की, ऐसी स्थिति में सरकार को तत्काल इस पर जो है कंट्रोल करना चाहिए और उन पैसों को खर्च करके और लोगों को सुविधा मुहैया करानी चाहिए, उनको उनके स्थान तक पहुँचाना चाहिए। और इसके जो है अभी तो हम देख रहे हैं कि जो टीम बन गई है जांच की टीम स्वास्थ्य विभाग की, और उसके पास कोई तंत्र नहीं है जिसे वो जांच कर सके, वैसा ही गाड़ी सिर्फ घुमा रहा है। अभी विधायक जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एसपी साहब पहुँचे हुए थे, या फिर आप तो विधायक हैं, सक्षम हैं, जिलाधिकारी से भी आपकी बातचीत हुई होगी। आपने एक चीज कहा कि फंड नहीं है, इनको बस तो है लेकिन उसको भेजने के लिए तेल का जो खर्चा आएगा वो फंड नहीं है,
तो आपने जिलाधिकारी से इस मुद्दे, गंभीर मुद्दे पे, ये मुद्दा नहीं है ये गंभीर मुद्दा है, इस पर बातचीत हुई क्या? आप इस संबंध में जिले समाप्ता से जानकारी ले लेंगे, क्योंकि मैं आज चार दिनों से यह समस्या को समझ रहा हूँ और मांग कर रहा हूँ। मैंने तो प्रस्ताव दिया था कि जिले के सभी प्रखंडों में कम से कम 3 भोजन केंद्र खोल दिया जाए, जो बहुत अभी गरीब है गांव में, जिसका काम धाम बंद हो गया है और वो भूखे घर में बन रहा है, और निकलेगा तो पुलिस के डंडा खाएगा, नहीं तो भूखे घर में मरेगा। तो इसलिए हमने ये भी मांग किया था, हमने इससे भी, हम दिन भर में 3 बार DM से बात कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि दरौली के विधायक सतदेव राम आपसे कितने बार दिन भर में बात करते हैं और जनता की कौन कौन सी समस्या। सर जवाब क्या मिला? चूंकि ATN न्यूज के माध्यम से जनता भी देखना चाहती है कि जवाब क्या मिला। जवाब यही मिला कि हम, DM साहब का साफ कहना है कि हम राज्य सरकार के जो निर्देश होगा उसी के आलोक में चलेंगे हम, यहाँ की समस्या से हम उनको कोई लेना देना नहीं। तो जब तक राज्य सरकार का कोई आदेश नहीं आएगा तब तक ये बेचारे इसी तरह यही मरेंगे, लोगों की परेशानी रहेगी। अभी हमने यहाँ बैठ करके और हमने प्रधान सचिव अमित सुभानी जी से बात की और उनको इन समस्याओं से अवगत कराया। हमने कहा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है, ऐसी स्थिति में मैं आपको कह रहा हूँ और यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाइए और ये व्यवस्था कराइए। तो जी हाँ करके और रह गए, अभी तो कोई कुछ किए नहीं। तो बात तो हमारी लगातार सभी अधिकारियों से, एक सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को छोड़ करके सारे अधिकारियों से, पटना से लेकर के और जिला तक, SP यहाँ आया, हम दौड़ के यहाँ आया और उनसे हमने कहा कि भाई जो बस हम कर रहे हैं उसका परमिशन दीजिए। तो उन्होंने परमिशन देने का आदेश कर दिया और दे दिया और हम लोग बस मंगा रहे हैं। तो हम लगातार इस काम में, हम ये भेदभाव नहीं रखते हैं कि हम कौन छोटे अधिकारी हैं कौन बड़े अधिकारी हैं, जनता के काम के लिए हर अधिकारी से, कर्मचारी से भी हम बात करते हैं ताकि जनता की काम हो। चलिए, आपने देखा कि सत्यदेव जी जो दरौली के विधायक हैं, और एक कड़वी बात हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरी लग जाए, लेकिन सच्चाई दिखाना हमेशा ATN न्यूज इसी के लिए जाना जाता है। पिछले रविवार से, जब पहले दिन का जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ था उस समय से लेकर और आज रविवार है, 8 दिन का वक्त बीत गया और 8 दिन में आपने देखा कि ATN न्यूज हर जगह पहुंचा हुआ है, हर जरूरतमंद के पास पहुंचा हुआ है। जो अधिकारी अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए ड्यूटी पे लगे हुए हैं उनसे हमारी बातचीत होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि 8 दिन में सिर्फ और सिर्फ एक विधायक हमें, एक जनप्रतिनिधि हमें इस बॉर्डर पे मिला है। ये बड़े शर्म की बात है। आज इन्हीं जैसे लोगों को आगे आने की जरूरत है, इन्हीं जैसे लोगों को यहाँ आ करके, और इन जो बेसहारा हैं, जो गरीब लोग हैं, जो रोजी रोटी के लिए बाहर गए हुए थे अपने परिवार के जीवन यापन करने के लिए, लेकिन आज उस दिल्ली ने भी इनको बड़े बेदर्दी के साथ, बेदिली के साथ निकाल बाहर किया है और ला करके इस बॉर्डर पे छोड़ा है। तो अब यहाँ से इन्हीं जैसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है जो इनको इनके घर तक, इनके मुकाम तक पहुंचा सके।